अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज दावत वलीमे पे जाने वाली हूँ, तो लेट्स सी आज मेरा दिन कैसा गुजरता है। मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और ये मेरे दिन की शुरुआत ग्रीन टी से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पीने में। और फिर मैंने सबके लिए चाय भी रख दी है। चाय जब तक पक रही है, मैं कुछ नाश्ते की भी तैयारी शुरू कर दी हूँ। और मैं सोच रही हूँ आज मैं भुर्जी बनाने के प्लान कर रही हूँ। और ये मेरी भुर्जी की तैयारी हो रही है। और ये मेरी भुर्जी अब रेडी हो गई है। मैं इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट तो किया नहीं, मैंने डायरेक्ट रात का ही शूटिंग किया। ये रेडी हो गई, हमने सब ने नाश्ता किया। और ये मेरी मदर इन लॉ, हम लोग शादी में जाते हुए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी मैं आज क्या रिकॉर्ड कर पाती हूँ। और ये देखो मेरा बिल्डिंग, दिवाली की सजावट अभी तक निकली नहीं है, बहुत सुंदर दिखता है। दिवाली में हर जगह चमकता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हम निकले अभी। हस्बैंड ड्राइव करते हुए, रोड भी बहुत चमक रहा है। दिवाली की सजावट अभी तक हटी नहीं है, इस वजह से हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखिए ओबेरॉय मॉल, ओबेरॉय मॉल भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत ही सुंदर तरीके से मॉल वगैरह सजाए हुए रहते हैं, स्पेशली उसे देखने जाने का दिल करता है। और यहाँ पे देखो दिवाली की वजह से मेला भी लगा हुआ है। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को भी लेकर आऊँगी इधर घुमाने के लिए। शुक्र है अभी तक तो ट्रैफिक नहीं मिला है, और होप सो आगे भी ट्रैफिक ना मिले, वरना बहुत परेशान हो जाओ ट्रैफिक में, बच्चे भी बहुत तंग हो जाते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए ये फाउंटेन होटल, और बस फाउंटेन होटल के जस्ट बाजू में ही ये शादी का हॉल था। तो हमारे घर से दूर तो बहुत था, लेकिन शुक्र है कि आज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला, तो हम लोग आराम से पहुंच गए। और ये हॉल का और ये शादी का एंट्रेंस है। ये बाहर से तो बहुत छोटा सा दिखता है, पर हॉल बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत तरीके से उसे सजाया हुआ रहता है। इसका एंट्रेंस देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, यहीं से लाइटिंग शुरू हो गई है। और जा रहे हैं आप आगे, पार्किंग भी अंदर ही होता है, तो आज देखते हैं कैसा डेकोरेशन वगैरह रहता है। और ये पार्किंग एरिया है, अच्छे से यहाँ पे पार्क हो जाता है। बहुत ही बड़ा था ये भी जगह, मैं बाहर से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लोग थे,
ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी बहुत अच्छा। लेडीज सेक्शन, बहुत ही बड़ा हॉल है ये बहुत। ये देखिए ये स्टेज, इधर साइड में सारे स्टॉल्स भी थे और यहाँ पे फूड सेक्शन, सब कुछ बहुत सुंदर था, सब इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर का बैग मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, वो बता रही थी उसके हस्बैंड ने ये गिफ्ट किया है उसको, तो मंगलसूत्र बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये मेरे सारे रिलेटिव्स सब खाना खा रहे हैं, फिर हमने भी सोचा हम भी खा लेते हैं, फिर हमने भी खाना खाया, खाना भी बहुत ही टेस्टी था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। अरेंजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से हमने एंजॉय किया, हम लोगों ने ये आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी। फिर ये खाना फिनिश करके हमने थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी खाए, फिर फैमिली के साथ गपशप किए, बच्चों के साथ एंजॉय किया। ये सारे बच्चे मेरे घर के ही हैं, कुछ मेरे कज़िन के, कुछ मेरे नीस के, सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये खतीजा, आयशा, मायरा, ये मेरे 3 इडियट्स, यूसुफ, उज़ैर, अयूब, बहुत ही प्यारे लग रहे थे तीनों, सेम कपड़ा। अमर अकबर एंथनी बने थे। और ये है छोटी सी उमायमा, बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसका लहंगा भी बहुत सुंदर दिख रहा था, माशाल्लाह। बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे सारे, स्टेज भी बहुत सुंदर दिख रहा है देखिए। और इनको कैसे भूल सकते हैं, ये हानिया, नॉटिकल हानिया, बहुत शरारती करती है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और फिर हम घर वापस आ गए। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा, अभी मुझे एडिटिंग भी नहीं आती है, और मेरे बैकग्राउंड में जो डिस्टर्बेंस होगा उसे भी इग्नोर करिएगा। ऐसे मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सा दिन कंप्लीट हुआ। आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।